Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट लॉजिस का दौरा, BAP GDA के रहनुमाओं से मुलाकात। BAP के रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म को 27 मार्च का PTI का जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त। पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान OIC इजलास की मेज़बानी को बहुत बड़ा एजाज़ समझता है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफिंग। मौलाना फजलुर रहमान का 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान। शहबाज गिल की PTI यूथ विंग के अरकिन को तैयार रहने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी ने मुखालफीन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अपोजिशन के नंबर पूरे होते तो ये सड़कों पर ना आते। जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में नई अटर्ली गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा, नए हथियारों की शमूलियत से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। जानवरों में जल्दी बीमारी की सूरत हाल मजीद संगीन। सूबाई टास्क फोर्स के मुताबिक लंपी स्किन बीमारी से मरने वाले जानवरों की तादाद 171 हो गई। मुतासर जानवरों की तादाद 25,267 से तजावुज कर गई। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में बम धमाके में 4 FC अहलकार शहीद और 6 शदीद जख्मी हो गए। वाकई की इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. जैसे जैसे कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हतमी मुद्दत करीब आ रही है, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने की कोशिशें जोर पकड़ गई हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2018 में मनसब संभालने के बाद से पहली मरतबा पार्लियामेंट लॉजिस गए, जहाँ 340 पार्लियामेंटेरियंस की रिहाइश गाहें हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बज़ाहिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी और ग्रैंड्स डेमोक्रेटिक अलायंस की हिमायत हासिल करने के लिए था, ताकि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद को तकवीत दी जा सके। मुलाकात के दौरान BAP के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मुतादित मामलात पर अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया। साथ ही उन्होंने सियासी तस्सादुम से गुरेज करने और 27 मार्च को PTI का जलसा मंसूख करने की भी दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि PTI ने कभी मुश्किल वक्त में BAP की हिमायत नहीं की, जब बलूचिस्तान में पार्टी दो ग्रुप्स में तकसीम हो गई थी और ना ही नज़रअंदाज सूबे की तरक्की के लिए कोई अमली इकदाम किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले BAP रहनुमाओं में खालिद मक्सी के अलावा जुबैदा जलाल, रुबीना इरफान, सरदार इसरार तरीन और मीर अहसन रेकी भी शामिल थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा के 48वें अजलास की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है और वज़ीर ख़ारजा के 48वें इजलास की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। तफसीलात के मुताबिक OIC वज़राए खारजा इजलास के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास हुआ। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की सदारत की, जिसमें सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर, स्पेशल सेक्रेटरी खारजा, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद ने शिरकत की। इजलास में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से वज़ीर खारजा को ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान OIC इजलास की मेज़बानी को बहुत बड़ा एजाज समझता है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है।
मौलाना फजल रहमान के 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के अरकान तैयार रहें, लॉन्ग मार्च करके डी चौक पर कब्जा किया जाए। फजल रहमान 27 मार्च के जलसे को नाकाम बनाना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया से गुफ्तगु करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुतहदा अपोजिशन के कायदीन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि 23 मार्च को ऐलान करदा लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा, मुल्क भर से कारकुनान इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद मौवन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के अरकान तैयार रहें, फजल रहमान का नया फितना है। फजल रहमान 27 मार्च के जलसे को नाकाम बनाना चाहते हैं। शहबाज गिल ने हिदायत की कि यूथ विंग डी चौक पर पहले ही अपना प्रोग्राम शुरू करेगी। जलसे की तैयारी के लिए 24 मार्च से ही डी चौक में खेमे लगाना शुरू करेंगे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ओपोजिशन कहती है हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, नंबर्स पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या जरूरत, नंबर पूरे होते तो ये सड़कों पर ना आते। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करने वालों को आइंदा भी नहीं रोका जाएगा, अरकान को धमकी देने रुकावटें डालने का कोई इरादा नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्तबिल के मैदान जंग के चैलेंजों से निमटने के लिए जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, इन जदीद तरीन गन्स की शमूलियत से रेंज, जंगी मैदान में नकलो हरकत और दरस्तगी के साथ दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत बढ़ेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नए हथियारों की शमूलियत से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निमटने में मदद मिलेगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने SH-15 आर्टिलरी गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लिम्स के असातिज़ा और तलबा से तबादला ख्याल किया और मुस्तकबिल की कौमी क़यादत तैयार करने में लिम्स के किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान बासलाहियत नौजवानों की दौलत से मालामाल है, इंसानी वसाइल की तरक्की, जिद्दत, टेक्नोलॉजी तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। सुबह सिंध की टास्क फोर्स ने जानवरों में लंपी स्किन बीमारी के आदाद शुमार जारी कर दिए, मजीद 318 मुतासरा जानवर सामने आ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक जानवरों में जल्दी बीमारी की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। सूबाई टास्क फोर्स ने लिम्पी स्किन बीमारी के आदाद शुमार जारी कर दिए। सूबाई टास्क फोर्स के मुताबिक लिम्पी स्किन बीमारी से मरने वाले जानवरों की तादाद 171 हो गई। जल्दी बीमारी से एक रोज में मजीद 9 जानवर मर गए। बीमार जानवरों की तादाद में भी मजीद इजाफा हो गया। जानवरों के 318 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासर जानवरों की तादाद 25,266 से तजावुज कर गई। बीमार जानवरों की तादाद सबसे ज्यादा कराची में है, जहां 15,899 जानवर मुतासर हैं। ठट्ठा में 4,360, टंडो मोहम्मद खान में 776, बदीन में 799, थाना बोला खान में 595, खैरपुर में 522, हैदराबाद में 477, कुंबर शहदाद कोट में 396, सांगढ़ में 359 और जामशोरों में मुतासिरा जानवरों की तादाद 310 है। लिम्पी स्किन से सेहतयाब होने वाले जानवरों की तादाद 8,837 हो गई। सिक्योरिटी जिले के मुताबिक सिब्बी की तहसील सांगान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 FCL का शहीद और 6 शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी में बम धमाके में 4 FC अहलकार शहीद और 6 शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक सिब्बी की तहसील सांगान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर देसी साख्ता बम का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 4 FC अहलकार शहीद और 6 शदीद जख्मी हो गए। शहीद और जख्मी होने वाले फ्रंटियर कोर के अहलकारों को एयर एम्बुलेंस के जरिए कम्बाइंड मिलिट्री अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले तमाम 6 अहलकारों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। वाकई की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकवा पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वाजह रहे कि 8 मार्च को भी सिब्बी में जेल रोड पर बम धमाके में 7 अफराद जाबहक और 35 जख्मी हो गए थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.
डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।